नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमालो पर। दोस्तों, आप जो हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे विषयों को हम बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। बीच में चैनल पर हम काफी सारे वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे काफी सारे दिनों तक, तो वो वजह थी कि हम नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए टॉपिक्स आपके लिए सोच रहे थे, खोज रहे थे कि किस विषय पे आपको बोला जाए कि आपको फायदा हो। फिलहाल हम ये ग्रहों के अनुकूलता वाले उपाय पूरे करते हैं, फिर बहुत सारे विषय आ रहे हैं, देखते रहिए हमारे चैनल ओम मालो। दोस्तों, मैं आपको सूर्य के, चंद्र के, मंगल के और बुध के उपाय बता चुका हूं। अब मैं आपको आज से शुरू करूंगा बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के उपाय। अपने पंडित जी, आचार्य, ज्योतिष जी, जो भी धर्माचार्य हैं आपके, उनसे पूछिए कौन सा ग्रह आपका खराब है। और मेरे इस सीरीज को देखिए, इसमें जिस ग्रह की खराबी की वजह से आप परेशान हो, उस ग्रह को सही करने के उपाय जो वो बताते हैं वो कीजिए, और जो मैं बता रहा हूं ये भी कीजिए, नुकसान कुछ नहीं होगा आपको। पहली बात तो ये कि अगर आप बृहस्पति से पीड़ित हैं, मतलब बृहस्पति ग्रह आपका गड़बड़ है, तो आप पीले वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र, मतलब पीले वस्त्र धारण किए हुए विष्णु जी की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इसके बाद के उपाय क्या है कि निर्धन छात्रों की और शिक्षण संस्थानों की जितनी आप कर सकते हैं सहायता उतनी करें। एक बच्चे को कॉपी पेंसिल भी आप दिलाते हैं तो वो सहायता मानी जाएगी। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, केसर, हल्दी, दाल, चना, सोना, पीतल, कोई भी पीली वस्तु का दान आप कर सकते हैं। किसी मंदिर के पुजारी को कपड़े दान कीजिए, लेकिन कपड़े सिले हुए नहीं होने चाहिए, बिना सिले कपड़े दान करने हैं। एक और उपाय बता रहा हूं, ये आपको करना है 8 गुरुवार लगातार, यानी हर गुरुवार, फिर अगला गुरुवार, ऐसे करके 8 गुरुवार। कच्चा सूत ले लें और उसे हल्दी में रख लें, हल्दी पानी में भिगो के पेस्ट बना लें, उसमें रंग लें, और फिर 8 गुरुवार तक, 8 बृहस्पतिवार तक लगातार उसे पीपल के पेड़ में सुबह सुबह जाके नहा धो के लपेट के आए, और जब लपेट रहे हो तो प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारी कष्टों से रक्षा कर, हमें इन ग्रहों के प्रकोप से बचा। वो भी बहुत फायदे का उपाय है। एक छोटा सा उपाय, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, माथे पे आप हल्दी का कोई तिलक लगा लें, छोटा सा, और या फिर केसर का तिलक लगा लें। इस स्थिति में सोने की जंजीर या अंगूठी, ये सब धारण करना भी काफी फायदेमंद होता है अगर बृहस्पति आपका बिगड़ा हुआ है। बृहस्पति के और भी उपाय मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल ओम मालो। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।